बोलो फ्रेंड्स, आप भी आ जाओ हमारे बर्थडे में। आप भी आ जाओ हमारे बर्थडे में। मजे करेंगे, डांस करेंगे, केक खाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सैरी फैमिली ब्लॉग में। और आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आदि का बर्थडे है। और आदि को आ रहा है आलस, आज ये भी शो के नहीं उठा है। सब आपको बर्थडे विश कर रहे हैं, आप शो के भी नहीं उठे हो। क्यों नहीं उठते? स्कूल नहीं जाना है क्या आदि को? नहीं जाना है। जाना तो पड़ेगा। नहीं जाना। बच्चों को ट्रॉफी तो दोगे आप? नहीं दूंगा। अपनी क्लासमेट को? नहीं दूंगा। ऐसे बोलते हैं? आप भी तो लेके आए थे जब बच्चे का बर्थडे था कल, अभी लेके आए थे ना ट्रॉफी, तो आप भी तो दोगे। चलो उठ जाओ जल्दी से। तो अमित तो चला गया है स्कूल में, और पापा जी बाहर घूमने जा रहे हैं, चाचू भी बाहर घूमने जा रहे हैं आदि के, और मम्मी यहीं हैं। अमित स्कूल चला ही गया और कोई नहीं है घर पे। डैडी भी इसके शाम को आएंगे। हाँ, शाम को जाना, ठीक है ना। तो बुआ को भी छुट्टी नहीं मिली है, प्रिया का भी एग्ज़ाम है, तो कोई नहीं मतलब आ रहा है। वैसे तो सभी का था कि सोच रहे थे कि सभी मिलके अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वही है कि जब कुछ मजबूरी आ जाती है, एग्ज़ाम भी नहीं छोड़ा जा सकता और वो को भी छुट्टी नहीं मिली है इनकी, तो बस मामा आएंगे शाम को और कृष्णा और आ जाएंगे उधर से, मामी के बच्चे, तो उनको बुला लेंगे। और आदि क्या करना चाहेगा आज बर्थडे पर अपने? कुछ आप तो एटीट्यूड में आ रहे हैं, आज बर्थडे है आपका, एटीट्यूड दिखा रहे हो। क्यों, कौन से कपड़े पहनोगे? ऑरेंज तो अपने स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे पे पहने थे। ऑरेंज पहनोगे? चलो तो अच्छा खड़े हो जाओ, और मैं तो बोल दूं अपने बच्चों को हैप्पी बर्थडे आदू। भगवान जी के हाथ जोड़ो, बोलो भगवान जी आज मेरा बर्थडे है, आप मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देना। हाँ, लो भगवान जी को टॉफी दो। ये छोटे से कान्हा जी है ना, इनको टॉफी दो, ये भी तो खाएंगे बर्थडे की टॉफी आपके। दे दो भगवान जी, टॉफी ले लो, टॉफी ले लो ना, बोलो खा लेना। हाँ बोलो, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, फिर आके मिलूंगा। जय जय करो भगवान जी को हाथ जोड़ के। लाओ मैं आपको तिलक लगा दूँ। वेरी गुड। और ये फुंसी निकल गई, ये बिना इनविटेशन के आ जाती है। इनको आपने इनवाइट थोड़ा ना किया था, ये फिर भी आ गई। चलो कोई बात नहीं, जब आ गई तो बिठा लेना इसको, है ना। पे? अपने माथे पे ही। चाचू के भी पैर छुओ, छुओ पैर। हैं? बाबा जी रह गए, जाओ ऊपर जाके छू के आओ जल्दी से। बोलो बाबा जी मेरी बर्थडे कैप दे दो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, और पैर भी छू के आना, ठीक है? ओके। आज आपको कैसा लगा इस
स्कूल में? कैसा लगता है मेरे बच्चे को स्कूल में आज? क्यों नहीं बोलते? आज आपका बर्थडे है तो इसका मतलब है थोड़ा आप पूरा दिन एटीट्यूड में रहोगे। स्कूल में भी गुस्सा करके गए थे। इधर देखो पहले, इधर देखो, इधर देखो, ये देखिए फ्रेंड्स, आज ये कितना गुस्सा दिखा रहा है। आज इसका बर्थडे है ना, आज ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। हैं डैडी? डैडी डैडी तो रात को आएंगे। नहीं रात को नहीं आएंगे, और सुबह आएंगे। सुबह आएंगे? आप फोन करके बोल दो डैडी को, डैडी जल्दी आना। और डैडी ले चीज़ लाना। नहीं चीज़ तो मना करूँगी क्योंकि आज आदि गुस्सा दिखा रहा है सबको। एक बार हंस के दिखाओ सबको। मजाक करते हैं, मजाक। तो फ्रेंड्स शाम के 5:30 बजे हुए हैं और दोनों बच्चे हमारे ट्यूशन में गए हैं। तो देखिए मम्मी ने यहाँ पे भगवान जी को भोग लगाने के लिए हलवा और पूरी दोनों चीजें तैयार कर दी है क्योंकि शाम का जो डिनर है वो हमारा बाहर होने वाला है। आज बच्चों के डैडी ने बोला था कि इस बार बाहर चलेंगे, तो बस यहाँ पे मैंने थाली तैयार कर दी है और वही सब चीजें लगा ली है जो कि हम केक कट होने के बाद बच्चों को देने वाले हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद भगवान जी को भोग लगाऊं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने गणेश जी भगवान को भोग लगा दिया है और उसके बाद अब कान्हा जी की बारी आई है और ये टॉफी जो सुबह दे के गया था वो भी मैंने रखती हूँ। तो बस अब करेंगे डेकोरेशन की तैयारी। आज किसका बर्थडे है? मेरा। आपका? भैया का है? नहीं मेरा। अच्छा ये गिफ्ट किसने दिया है आपको? ट्यूशन वाली मैंने। आपने थैंक यू बोला था उनको? और बच्चों को टॉफी दे दी थी आपने ट्यूशन में? ओके बच्चों ने बर्थडे विश किया था आपको? अच्छा थैंक यू। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी छत पे और दोनों बच्चे ट्यूशन में गए हुए थे। यहाँ तो थोड़ा सा लेट का टाइम है क्योंकि आधी डेकोरेशन तो हो गई है और आधी अभी बाकी है। तो जब दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे तभी मैंने ये सारे बैलून फुलाकर तैयार कर दिए थे और 2-4 बैलून हमें पहले ही फुलाकर चला गया था, फिर जो है ट्यूशन का टाइम हो गया था, नहीं तो वो भी मेरी हेल्प करता। और यहाँ भी देखिए पापा जी और भैया लगे हुए हैं वॉल डेकोरेट करने में। तो हैप्पी बर्थडे मैंने लगा दिया है और बीच में लगा दिया है आदि के फोटोज का कोलाज। और अब इस बार बैलून्स भी कलरफुल लाए हैं, तो हर बार तो जैसे ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन रहता था, इस बार कलरफुल बैलून है और तरीका भी कुछ अलग ही है। हर बार तो हम उनको दीवारों पे लगा देते, दरवाजों पे लगा देते थे, लेकिन इस बार बांध दिए हैं इस गेट से उस गेट पे और इधर वाले विंडो में दूसरी विंडो में बांध लिया है। तो इस बार कुछ अलग ही लुक आ रहा है और अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। ये देखिए आप कितना सुंदर लुक आ रहा है और बड़े वाला बैलून भी तैयार हो गया है, उसमें टॉफी वगैरह भर दिए, तो बस अभी उसको लगाना रह रहा है। और आप देख सकते हैं फाइनल लुक जो है कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मजे में होंगे? जैसे मैं हूँ। आज आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आज आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं ना? और कुछ तो मिल भी गए हैं आदि को। हाँ मिल गया। मिल गया। मिल गया? आप कहाँ जा रही हो? साड़ी पहन के। मैं आपके साथ ही जाऊंगी जहाँ आप जाओगे। आप कहाँ जाओगे? मामा के घर। नहीं तो मामा के घर तो नहीं जा रहे हैं आज, मामा यहाँ पे आ रहे हैं बर्थडे में। ऊपर मना रहे हैं ना आपका बर्थडे? हाँ। तो ऊपर ही जाएंगे साड़ी पहन के। हाँ। बोलो फ्रेंड्स आप भी आ जाओ हमारे बर्थडे में। आप भी आ जाओ हमारे बर्थडे में। मजे करेंगे। मजे करेंगे। डांस करेंगे। डांस करेंगे। केक खाएंगे। केक खाएंगे। Happy birthday! 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 Happy birthday!
मैं भी खाऊंगा। हैप्पी बर्थडे आदि। इसकी ठीक हो जाएगी, लगा दो दवाई, लगा दो इसकी। हैप्पी बर्थडे आदि। क्या खा रहा है आदि? केक खा रहे हो? मुझे मिला नहीं। मुंह चल रहा, देख लो मुंह चल रहा है। ये देखो सबूत के तौर पे कटोरी भी रखे है। और इच्छा है मम्मा जी की आए तो कटोरी ले रहे हो। नहीं पहली है, देखो किसी से चल रही है लड़ाई। हेलो फ्रेंड्स, केक खा लो। पार्टी हो गई है और सेजल, चीनू और कृष्णा तीनों चले गए हैं अपने घर, और राजीव अभी यहीं पे ही है। बच्चों के डैडी भी आ गए हैं तो उन्होंने भी केक वगैरह ले लिया है। अभी राजीव मामा भी तो चलेंगे। अभी हम चलेंगे डिनर पे। डिनर पे चलो। बड़ी मामा को बोलो तो चलेंगे। राजीव बड़ी मामा को बोलो तो 10 बज गए हैं रात के। हां 10 बज गए हैं। देखो ये देखो 5 मिनट रह रही है बस। 5 मिनट। हां जल्दी से पापा जी को बड़ी मामा को बोलो। ठीक है भैया ने तो अपना सेटअप बना लिया। चलो भैया थोड़ी देर का ही काम है वहाँ पे खाना खाने के। हैं ड्यूटी शुरू हो गई तो भैया की ड्यूटी शुरू हो गई है तो अभी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने वैसे तो केक वगैरह ले लिया है, समोसा ले लिया, लेकिन उनका खाना जो है हम ये भी पैक करा के ले आएंगे। चाचू भी नहीं जा रहे बेटा, उनकी ड्यूटी शुरू हो गई। बाबा जी रेडी हो गए क्या? तो गाइस हम डिनर करने के लिए आ गए हैं बिकानो फूड कोर्ट। ये पड़ता है रुड़की रोड पर। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं डिनर करने के लिए और ऑर्डर कर दिया है, वैसे भी थोड़ी देर में आने ही वाला है। और आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा हो रहा है। 10:30 or 11:15 का टाइम था लगभग, तो एक दो लोग ही है हमारे अलावा। और डेकोरेशन देखिए आप कितनी अच्छी कर रखी है इंडिपेंडेंस डे पे। तो हमें भी थोड़ा सा लेट इसीलिए हो गया है आने में, क्योंकि बच्चों के डैडी भी लेट आए थे। और बस अभी खाना ही आने वाला है। खाइए भैया, खाना हो गया, इसके बाद सुनो और मिस्त्री। आदि कैसी लग रही है फिश? बहुत अच्छी। कौन सी वाली लेनी, ब्लैक वाली? छोटी वाली नहीं लेनी। देखो ये वाली कितनी सुंदर है। अरे ये ग्रीन कलर की है। ये ग्रीन कलर की ये वाली कितनी सुंदर है। वाइट
ये ऑरेंज कलर की है। व्हाइट और ऑरेंज कितनी सुंदर है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम खाना खा के और राजीव भी निकल गया बाहर से, बाहर निकल गया क्योंकि टाइम देखे क्या हो रहा है, 12:15 हो रहे हैं। और अब मैंने भी कपड़े बदल लिए हैं और बस अब हम भी कपड़े बदलते हैं और अपना लेटते हैं क्योंकि थक गए हैं, पूरा दिन हो गया है ऐसे ही। और इसी के साथ ही आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आदि ए आदि इधर आओ, इधर आओ, गिर जाएगा फोन डैडी का, इधर आओ। फ्रेंड्स को बोलो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो बस कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय।